नमस्कार आदाब दोस्तों, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस टॉक। दोस्तों अभी देश में लॉकडाउन की सिचुएशन है, पूरी दुनिया में और देश में लॉकडाउन की सिचुएशन है। और इसी लॉकडाउन के बीच बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि बैंकर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल शॉप्स हैं उसमें जो काम करते हैं वो लोग, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, जिनको अपने वर्क प्लेस पे मौजूद होना होता है। बहरहाल उन्हीं में से एक मैं भी हूँ, मैं गवर्नमेंट बैंक में एम्प्लॉई हूँ। तो दोस्तों आज मैं अपने ड्यूटी आवर्स ख़त्म करके जब मैं घर लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक ट्रॉली थी और वहाँ पर दो किसान थे जो उसमें से सब्जियाँ बेच रहे थे, और वो खेतों से सब्जी लेके आए थे, ताज़ी फ्रेश सब्जी लेके आए थे। और क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है और ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो जिनको डेली बेसिस पर कमाना पड़ता है ताकि वो खा सकें, हमारे आपकी तरह नहीं कि जॉब की और कुछ सेविंग्स भी हैं तो अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, हम लोग स्टॉक करके रख सकते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो रोज कमाएंगे तो रोज खाएंगे और अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बिलीव नहीं करेंगे आप, ये खेत की फ्रेश पत्ता गोभी उस फार्मर ने मुझे 10 रुपए में दी है। मैं तो इसे पा के बहुत खुश हुई, मुझे वैसे भी फ्रेश वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, हेल्दी फूड अच्छा लगता है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने उसको दरअसल 20 रुपए पे किए तो वो भी खुश हो गया। लेकिन इसी छोटे से इंसिडेंट को इसमें होते हुए मुझे एक बिग पिक्चर नजर आई कि ऐसे कितने लोग हैं, यही जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग जो रोज कमाए नहीं तो रोज उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो जरा सोचिए कि ना, हम और आप तो स्टॉक जमा कर सकते हैं पर इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि स्टॉक जमा कर सके। और अभी कितने ही ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं और जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और जिनके पास साधन नहीं है कि वो अपने घर लौट सके। तो ऐसे लोग, जरा उनकी मजबूरी देखिए कि वो लोग पैदल चल के अपने घर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत हिला देने वाली है, बहुत हर्ट करने वाली है। जब मैं सोचती हूँ उन लोगों के बारे में तो मुझे ये ख्याल आता है कि वायरस तो शायद उनको बाद में मारेगा लेकिन भूख पहले मार देगी। तो दोस्तों मेरी ये अपील है, मतलब मैं खुद भी इस चीज को फॉलो कर रही हूँ, मैं खुद भी रास्ता निकाल रही हूँ। देखिए लॉकडाउन को फॉलो करते हुए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे आसपास मौजूद हैं हम उनकी मदद कर सकें, हम उनकी आर्थिक मदद कर सकें या किसी और तरीके से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। देखिए मेरी दरअसल ये प्रशासन से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो मजदूर लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं, जिनके पास अभी काम नहीं है और रहने का ठिकाना नहीं है, तो उनको एटलीस्ट कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो लोग सक्षम हैं ये करने के लिए और वो हमसे और आपसे कहीं बेहतर सोच सकते हैं, इसका रास्ता निकाल सकते हैं। तो हालांकि उनको खाने की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, लेकिन ये इनफ नहीं है, मतलब इससे बढ़ के कुछ होना चाहिए। अभी ये जो सिचुएशन चल रही है देश में और दुनिया में, ये इतिहास में अपनी तरह की पहली सिचुएशन है जहां तक मेरा ख्याल है। तो इसको, इससे निपटने के लिए मेजर्स भी ऐसे होने चाहिए जो पहले कभी नहीं अपनाए गए, हमें एक दायरे से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा दोस्तों। और मेरी अपील को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी अपील को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा, और मुझे कमेंट करके सजेशंस दीजिए कि मैं किस तरह से ऐसे लोगों तक पहुंच सकूं, उनकी मदद कर सकूं, या आप लोगों के पास क्या आइडिया है कि ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों लॉकडाउन को ऑब्जर्व कीजिए और जितने जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं WHO ने, जो जेन्युइन इंस्ट्रक्शंस हैं, और उनको फॉलो कीजिए और लोगों को भी अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए। मैंने देखा है कि तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तरह तरह के 10 तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इंसान इंसान कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है कि वो क्या करे क्या ना करे, कैसे निपटे इस आपदा से। तो सिर्फ जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, छोटे स्टेप्स में बनाइए, मतलब है ना, कम से कम स्टेप में हम कैसे मैक्सिमम सेफ्टी पा सकते हैं, इन चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए। आप सभी समझदार और एजुकेटेड लोग हैं और आप लोग आज की जनरेशन हैं, तो मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।